तो भाई आप पहुंच गए अपने अगले मिशन पे। रात होगी भाई साहब पहुंचते पहुंचते। एक सेकंड, ये कौन है कट्टा दिखा रहा साड़ा हमें? अरे डच भैया सच्ची सारा जानता दिखा, मैं फोड़ दे मैं ज्यादा देर में। अरे कहा भैया, अभी एक आधी हड्डी चटक जाती तो फिर बोलते। अरे बेटे, हम तो ये देख रहे हैं कि तुम अब भी तेज तर्रार नौजवान बरकरार हो या फिर नहीं, कहीं मुठल तो नहीं हो गए। अरे भैया कैसी बात करते हैं बड़े होके। अरे म्यूचुअल फ्रेंड नहीं होते फेसबुक पे? हम तो वो बोल रहे हैं, लगता है तुम्हारी अंग्रेजी ही माच जाने गई है। फिर गाली भैया। अरे माच उठाने, माच का झंडा डंडा उठाने, तुम भी बहुत हरामी हो गए हो बेटा। अब आप फिर पहुंचे जो दारू गड्ढे पे, यहाँ दारू पी के फेंको बंगड़ा पाके फक करेगा। दारू मांगता है उनको दारू, है सुनता नहीं क्या बहरी कांड है क्या ये लड़े? सुनना चल, रम विस्की भी है वोडका, तन्ने नादी तो तेरी माँ का। अरे पैसे हो खर्च हो गया, पैसे पंगड़ा पावेगा अभी। अरे भैया तुम बड़ा आंटी भैया हो क्या? अरे मेरा गांजा सप्लाई कर रहा था भरकड़ी के, देता काहे को नहीं? अरे गांजा तू है तो चूतिया गया क्या भाई? गांजा नहीं दे रहा तू, इतने दिन हो गए मुझे। चल साले गांजे की नई पुड़िया दे भाई, चूतिया नई पुड़िया देना है भाई, भरकड़ी की नई पुड़िया दे। अरे गांडू साला पता नहीं कहाँ जा रहा है। अभी किसी ब्रोंटी ब्रोंटी की बात कर रहा था ये प्राणी, और वो हमें ढूंढना कहाँ को है। जो पीला पीला सा आ रहा ना मैप में टट्टी है श्रीलंका, यहीं पे मिलेगा वो। अरे भैया ब्रोंटी ब्रोंटी को देखे हो? अच्छा बुंगे कुपावेंगे ब्रोंटी ब्रोंटी। तो भाई हमने इस बालक को $5 दिए उसे ब्रोंटी ब्रोंटी का पता लगाने के लिए। कोई मतलब यहाँ का फेमस लोंडा है उसे, मतलब नुक है बालक सब जानना है। चोरी करेगा इसकी माँ का। तो भाई हम उस लोंडा पीछा करते करते काफी आगे तक पहुंच गए भाई। यहाँ हमें मिल गए कई सारे बालक, मतलब बालक किसे कह रहे यार, मेरे जैसे ही थे लोंडे सारे, ठीक है। तो मिल गए थे हमें, और भाई उनका एक जो मतलब सरदार था उनने बताया हमें कि वो उसी के लिए काम करे जिसे हम ढूंढ रहे, और भाई उसका पता बता दिया हमें। और पैसे तो खैर मिल गए वापिस, अरे लेकिन उसने वो कह दिया हमारी तरफ वेपन एम करके ना चले जाओ यहाँ से। क्या घोड़ा क्यों नहीं मिल रहा मुझे, कहाँ चला गया? अरे बेटे ब्रोंटी ब्रोंटी कुछ नहीं है, ये अपने कलवा का लोंडा है। ये जब जैसा ना, जब से इतना बकचोद हो रहा है, पहले मैं कच्चा लेके भाजगा, आज मैं लोंडा लेके भाजगा। एक नंबर का चूतिया आदमी है ये, इसके बारे में कोई बात ही नहीं करना चाहता, इतना चूतिया आदमी है वो बंदा। वो है जिसके पास रजबे का लोंडा है, वो कोई इटालियन आदमी है, हर कोई शहर में जानना है, लेकिन कोई इसके बारे में बात नहीं करना चाहता, ऐसा कुछ सीन है। तो चलो यार डच भैया के पास हमें जाना अभी उसके बारे में बात करने के लिए, जिसके पास वो लोंडा है डच भैया का। लेकिन उससे पहले थोड़ा दूसरी का मिशन है, मैं सोचा पहले उसे कर लूँ, पता नहीं क्यों, लेकिन अभी मैं सोचा उसे कर लूँ क्योंकि यार काफ़ी बड़ा बड़ा शहर है, मुझे जंगलों में रहने क्या आता है कतई। तो भाई वापस आ गए हम अपने बेस पे, शहर छोड़ के यहाँ पे अब देखें अपना मिशन करें। अरे पैंथर भैया, इधर कोई इस किताब पे क्या राबचिक नुस्खा लिखा है? अरे बोल ना तू। अरे भैया इसमें लिखा, अगर आप बैंक लूटने जाओ और अपना मास्क घर पे भूल जाओ ना, तो कहीं से वायग्रा लेके खा लो, तो उससे क्या होगा, लोगों का साधन आपके मुंह से हटके कहीं और चला जाएगा, और आप बैंक लूट कर आराम से आ जाओगे, पहचान नहीं पाना आपको कतई। अरे क्या बात है, अब उनका ही ट्राई करता है। तो भाई यार हम चची से अपने, जो चची हमारे पीछे बुलाई थी ना हमें, तो उससे हम अपनी एक्स के बारे में और उसके बारे में बात करने लग रहे थे। तो भाई अभी अभी उसने मतलब उससे बात ही कर रहे थे हम, तभी ये चची वे आ गई डच भी, ये पता नहीं कौन है आंटी जी, ये आ गई। इन्होंने कही कि कोई अपने गैल की वो चची है उसे दाब रखा है उन्होंने, कोई मतलब पता नहीं कोई ब्रदर ब्रदर है, उन्होंने दाब रखा उसे, अब उसे ठोक ठाक देंगे। तो भैया हमने कहा ऐसा कैसे ठोक देंगे, हमारी गैल की है, तो भैया इसलिए हम अभी उसे बचाने जा रहे। अच्छा तो उनने किसी को मार दिया था उन दोनों में से, ठोक दिया साढ़े हमारी चची को दाबेगा है तेरी साले, अटक तुम्हारी भैन के बेटा, एक ही हेडशॉट मारेगा ना, इतनी बकचोदी नहीं खेलते ना, तो ना है चची इसे तोड़ो तेरी बहन थमिए ना, हट साड़े सस्ते सनाई पर तेरे फाड़ दूंगा डाई पर। ओ भाई तो अब हमें क्या करते हैं, इनका पीछा करना जिन लोगों ने इसे ठाया था। अरे चची भी हमारे साथ पीछा करेगी इनका, तुम्हारी माँ का सालो, पांच बंदे हैं वो छोड़ना ही नहीं कहते ही। चलो रीलोड तो हो गई, चल साड़े जी हो गया, हट साड़े फोड़ दूंगा इसको, हट तेरी बहन की, अबे मर गया एक लात, मर गया इतनी सी जान, यार ये अजीब बात है, एक लात मर गया दूसरा, चल साले चल साले।
पेल दिया, बस बस बांध दिया, बांध दो बढ़िया। चलो घोड़े को बुलाना पड़ेगा, कहाँ है जोरा? नहीं ये तो इनका घोड़ा है ना। अरे मेरा घोड़ा कहाँ है यार? साला विस्लिंग रेंज के बाहर है यार, मुझे उसे गहलाना चाहिए था, मैं बेमतलब चूत गया भगया। तो भाई फाइनली पहुंच गए जगह पे जहाँ से हमें पटकना है। क्या रे लोंडिया छेड़ता है, अभी लगाए फोन महिला हेल्पलाइन को। ऐसे जाए तो ना, गलती होगी, मेरे को क्या मालूम था क्या विनोद वाली गाली दीदी को जानती हो। तो भाई यार अभी से चची को इसने कह दिया कि मतलब इसके भाई भाई से दुखी नहीं करने के, वो मतलब इसके पीछे छेड़खानी कर रहे थे इसकी गैल, चची की गैल। तो भाई इसे उसने मतलब इसने चची ने इसके भाई को मार भी दिया था यार, जो दोनों बैठ के छिड़ी चची चची मुझे ले गई, पैदल भागना पड़ेगा। भैया डच भैया के पास कल को चलेंगे, कल को बात करेंगे आगे डच भैया के लौटने के बारे में कि कैसे हुए क्या सीन रहा है। आज वीडियो में इतना ही, मजा आया तो लाइक कमेंट से सब्सक्राइब करना, मिलेंगे अगली वीडियो में।